हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जिनको आप अभी इस गर्मी के सीज़न में उनको ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके पास सीड हैं तो। नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं दोस्तों हैं जो कि गर्मी में आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल देने वाले हैं, चाहे जितनी तेज़ धूप हो, गर्मी हो या फिर कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, आपके गार्डन में कभी भी फूल कम नहीं होने देंगे। तो कुछ ऐसे ही पौधों का आज मैं नाम बताने वाली हूँ जो कि आपके गार्डन में खिले रहेंगे, हरे भरे भी बने रहेंगे। तो वो कौन कौन से ऐसे पौधे जिनको हम बीज से ग्रो कर सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये है हमारा सदाबहार। तो सदाबहार आप लोग को पता ही है, वो बीज से ही ग्रो होते हैं, हाइब्रिड वाले हो या देसी वाले। देसी वाले की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो देसी वाले कहीं भी सीड गिरे होते हैं वो अपने आप उगाते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाले जो होते हैं उनको हमको उगाना पड़ता है। वो भी वैसे सेम होता है, खिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों, जो कि हमारा सदाबहार होता है, इनको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं अगर आप लगाना चाहें इस टाइम पे। तो बेसिकली अभी कटिंग भी ग्रो हो जाएगी, जो हमारा मंथ चल रहा है मार्च का, यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बस कटिंग से ही लगा लें, दोनों से भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंजीनिया। चीनिया को भी हम सीड से अभी प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं, और अभी हम नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको भी इसी तरीके के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन सीड से ग्रो करने की बात ही अलग होती है। आपको डिफरेंट रेफरेंस कलर थोड़े से फ्री में भी मिल जाएंगे। जितने में एक पौधा हम खरीद के लाएंगे उतने में हम ढेरों सारे सीड से पौधे बना लेंगे, और ये गर्मी में बहुत अच्छे से खिलते हैं। बस थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, पार्शियल धूप काफ़ी होती है, लेकिन गर्मी वाले अगर पौधे होते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इन्हें ज़रूर ग्रो करें। सीड की अगर बात होती तो ऑनलाइन ज़रूर परचेज करें, आपको ये मिल ही जाएंगे। और इनके जो कलर वैरायटी बता दूं, तो वैरायटी हाइब्रिड भी आती है, ड्वार्फ और लॉन्ग दोनों तीनों तरीके की आती हैं। बहुत ही कुछ सैडेड में भी आते हैं, जो जीनिया के फ्लावर होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। और इनको ओवर वाटरिंग से बचाना है, क्योंकि ज़्यादा पानी होने को जैसे पौधे सड़ने गलने लगते हैं, जैसे कि हमारा पिटूनिया है ना, ज़्यादा पानी पाने से वो मरने लगते हैं, कम पाएंगे तो मुरझा जाएंगे। सेम उसी तरीके से जीनिया भी होते हैं, इनको अगर हम क्या कहते हैं ज़्यादा पानी दे देंगे तो फंगस लग जाएंगे, कम देंगे तो मुरझा जाते हैं। तो पानी का मेंटेनेंस हमें बना के रखना है, और मतलब फ्लावर के साइज जैसे गेंदे के होते नहीं उसी तरीके से होते हैं। और कलर इनके में भी देख सकते हो, ये रेड वाले हैं और वो येलो हैं, और भी कलर आते हैं, पिंक, वाइट, पीच कलर भी रहते हैं, बहुत ही मतलब खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इन्हें भी आप सीड से ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे ग्लाडिया है, ग्लाडिया को भी हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। मैं तो क्या करती हूँ, इनके जो सीड निकलते हैं इनको तोड़ के मैं गमलों में डाल देती हूँ, और ढेरों सारे पौधे बन जाते हैं। मैं ग्लाडिया सिर्फ एक बार लाई थी 3 साल पहले, और वही पौधे अभी भी हमारे गार्डन में बने हैं। 2 कलर के लाए थे, दोनों ही अभी भी खिल रहे हैं, एक येलो कलर का है और एक रेड कलर का है। तो मतलब दोनों कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, रेड का नहीं बोलूँगी मैं, उनका जो कलर है इस तरीके से ऑरेंज और रेड है, और जब खिलेंगे अभी तो फिलहाल ये लास्ट वीडियो है नेक्स्ट ईयर की तो नहीं है, अभी खिलना शुरू हुए, जब खिल जाएंगे तो मैं प्रॉपर दिखाऊंगी। बट ग्रो करने की बात है तो ये भी सीड आपको दोस्तों आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप सर्च करिएगा कहीं भी तो मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से खिलते हैं फ्लावर, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। पूरी गर्मी यहाँ पे दोस्तों बता दो, ठंडी में भी खिलते हैं, भर भर के फूल देते हैं, आपके जो गमला होगा फूलों से भरा रहेगा। तो ग्लाडियो को भी ज़रूर आप सीड से ग्रो करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपराजिता है, तो अपराजिता भी सीड से ग्रो ही होते हैं खास करके, और अभी मतलब जो मार्च का महीना चल रहा है इस टाइम पे ये इजीली ग्रो हो जाएंगे, 4 या 5 दिन में इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से कलियाँ भी आ रही हैं, मल्टीपल पेटल वाले ये हैं। तो अगर इन इस सीड से देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ग्रो किया है।
नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स है पिटूनिया, मैक्सिकन पिटूनिया। तो ये जो होते हैं देसी वाले होते हैं ना, कहीं भी गिर के ये उगाते हैं। कलर मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, ये पिंक वाले, ये हाइब्रिड वाले हैं। और इस तरीके से ना इनके जो फूल की जो लाइफ लाइन होती है, क्या 2 घंटे होती है, जैसे तेज़ धूप होती है मुरझाने लगते हैं। तो इनको भी हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं, गार्डन में खिलते भी रहते हैं हमेशा पूरी, मतलब मैं बता दूँ जब तक कि हार्ड ठंडी नहीं होने लगती है, ऐसे कि जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तभी इनका फूल देना बंद हो जाता है, नहीं तो ये खिलते ही रहते हैं। तो मैक्सिकन पिटूनिया तो मतलब बेस्ट है। और इनके जो फ्लावरिंग होते हैं ड्वार्फ टॉल, और कलर की बात करो तो वाइट, पिंक, पर्पल और इसी तरीके से देखने को मिले हैं। और भी कलर आते होंगे तो मुझे नहीं पता, बट पिंक, वाइट और पर्पल ही अब तक मैंने देखा है। तो कटिंग से भी लग जाती हैं दोस्तों। मैंने फ़िलहाल ये जो सारी प्लांट्स हैं कटिंग से मैंने फ्री में ग्रो किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है जो कोचिया है, तो कोचिया भी अभी सीड से हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी का ऐसा टाइम होता है, चारों तरफ क्या होता है, पौधे मुरझाए से रहते हैं। और कुछ अगर हम कोचिया का पौधा लगा देते गार्डन में आता, थोड़ा सा मतलब ग्रीनरी रहती, इतना मतलब आँखों को सुकून मिलता है, बोले ही क्या। तो आप इनको भी ज़रूर सीड से ग्रो करें अगर आपके पास हैं। और इस तरीके से लाइन अप में लगा देंगे ना रो बना के, तो और ही खूबसूरत लगता है, गार्डन में 4 चांद लग जाते हैं। कि जो पत्तियां होती इस तरीके से मतलब झाड़ी नुमा होते हैं, सीड से ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास सीड है तो ग्रो कर लीजिएगा। नर्सरी में जाएंगे तो 100% आपको पौधे तो मिल ही जाएंगे। पौधे अगर मैं बता दूँ तो ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, इनके जो पौधे होंगे 4 या 5 रुपये सेपलिंग्स छोटी छोटी होती हैं, ले आएंगे तो अभी इस टाइम पर अगर लाते हैं तो 100% ये मतलब आने वाले टाइम में गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रीनरी का ऐड करेगा कोचिया जो है। तो इन्हें भी ज़रूर सीड से फ्रेंड्स ग्रो करना। नेक्स्ट यहाँ पे मेरीगोल्ड, तो ये मेरा मेरीगोल्ड जो देख रहे हो दोस्तों, ये सदाबहार वाला मेरीगोल्ड है। और ये कटिंग से ही लगते हैं, और कटिंग से लगने की बात ये होती है इसमें सीड नहीं बनते हैं। मैंने कोशिश भी किया था कि मैं सीड से ग्रो करूँ, बट सीड इसमें नहीं बनते, बस कटिंग ही लगती है। सदाबहार की बात है तो दोस्तों ये होता है कि इसमें ये जो फ्लावर होते हैं सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं, कोई भी सीज़न हो, गर्मी, बरसात या फिर ठंड हो, तो खिलेंगे ही। बाकी सीजन वाले जो होते हैं उनका जब सीज़न आता है तभी खिलते, लेकिन ये वाले जो होते हैं दोस्तों ये आपके गार्डन में हमेशा बने रहते हैं। तो इनको आप कटिंग से ग्रो कर लीजिएगा। अगर सीड वाले जो गर्मी वाले आते हैं ना, तो उनको आप सीड से ग्रो करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लगा लेते हैं सीड या कटिंग लगा लेते हैं, पता ही नहीं चलता किस सीज़न का है। जब भी आप सीड ग्रो करें या परचेज कर रहे हैं कहीं से, तो पता कर लें कि किस सीज़न का है, ताकि आपका जो फ्लावर अच्छे से गार्डन में खिल सके। नेक्स्ट जो है हमारा मोस्ट रोज, तो ये वाले दोस्तों ये हाइब्रिड वाले हैं, सीड से ग्रो होने वाले हैं। मैंने शायद वीडियो शेयर करी हुई है, यानी फिर तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी। इसी के जो सीड होते हैं गमलों में गिर जाते हैं, और ढेरों सारे कलरफुल आपको फूल देते हैं सिंगल पेटल में। उसमें देखिएगा जो मतलब सेट्स हैं इसमें, वाइट, ऑरेंज और येलो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मैंने फ्री में ही सारे ऐड किए हैं, सीड से ग्रो किए हैं ये सारे के आसपास जो गमले रखे होते हैं इन पौधों के पास, उनमें जब इनका टाइम आता है खिलने का तो खिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने ढेरों सारे बनाए हुए। देसी वाले जो होते हैं उसमें सीड नहीं बनते, बस जो हाइब्रिड वाले होते हैं सिंगल पेटल्स वाले होते हैं उसमें सीड बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप भी इनको ग्रो कर सकते हैं। सीड आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं दोस्तों, मोस्ट रोज पार्सलिन और पोर्चुला का बहुत नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दोस्तों है पार्सलिन, ये भी सीड से ग्रो होते हैं, इसमें 100% सीड बनते हैं। ये देसी वाले हैं और इनमें भी कटिंग से भी लग जाती है सीड से भी, तो अगर सीड है तो ग्रो कर लीजिएगा, नहीं कटिंग से तो इसलिए लग ही जाते हैं। येलो, पिंक, वाइट, पर्पल बहुत से कलर्स में रहते हैं, तो ये भी आपको भर भर के फूल देंगे आने वाले गर्मी में, तो इन्हें भी ग्रो कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा मोस रोज है, सॉरी कोसमोस है ये, तो ये गर्मियों वाला कोसमोस है और इसमें ऑरेंज, रेड और येलो देखने को मिलते हैं। तो अभी इनके सैपलिंग्स गार्डन में आपको मिल जाएगी, अगर बीज हो तो बीज से भी ग्रो कर लीजिएगा। इस टाइम पे इनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है और फ्लावरिंग भी आपके गार्डन में भर भर के देंगे, और बहुत ही प्यारे लगते हैं इनके फ्लावर। बस पानी का भी विशेष ध्यान देना है दोस्तों, कम ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो इन सारे पौधों में फंगस लगने के चांस होते हैं, जैसे कि मैं जीनिया में होता है, सेम वही
इसमें होता है, जिनको आप सेव करके रखिएगा। पानी चेक करके दीजिए, कम ज़्यादा ना होने पाए, फिर आपका कॉस्मोस अच्छे से पूरी गर्मी फूल लेगा। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा वो है दोस्तों हमारा मॉर्निंग ग्लोरी, तो ये सीड से खुद ही उगा हुआ है और सीड से भी उग जाते हैं। अगर आपके पास है तो दान डाल दीजिएगा, सुबह डालेंगे और दूसरे दिन देखिएगा, दूसरी की सुबह आपको उसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। इसे चने में होते हैं, अगर हम उनको रख देते हैं दूसरे दिन उसमें अंकुरित हो जाता है। सेम उसी तरीके से हमारा मॉर्निंग ग्लोरी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इसमें सीड बहुत जल्दी बनते हैं, इजी टू ग्रो प्लांट है। तो जिसके यहाँ पे नहीं होता सोचते मेरे पास हो जाए, जिसके पास हो जाता फिर उनको तो कभी होने ही नहीं, आपके गार्डन से कभी नहीं जाते हैं, इधर उधर बीज छटक के गिर जाते हैं और फिर ढेरों सारे आपको उनके पौधे देखने को मिल ही जाएंगे। मेरे यहाँ पे जितने भी मैं पौधे पास रखे रहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के, वहाँ पे मैं देखती हूँ तो पौधे उगे हुए होते, एक दो तो रहते ही हैं। तो इसमें से ये मेरा मतलब लगा हुआ था पौधा, तो ये मेरा करी पत्ता का पॉट था उसी में गिरे हुए, तो इसी में उग के फिर से मैंने यहाँ पे स्टिक लगा दी ताकि राउंड राउंड करके ऊपर चढ़ जाए और इस तरीके से फ्लावरिंग देखने को मिल जाए, तो इन्हें भी आप ग्रो कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, कुछ ऐसे मैंने पौधे शेयर किए हैं जो कि गर्मी में आपको भर भर के फूल देंगे, अभी ये सीड से ग्रो होने वाले हैं। तो आपके पास सीड है तो ग्रो कर लीजिए बिना देरी के, साथ साथ में अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको नर्सरी से परचेज कर सकते हैं या किसी सीड शॉप से परचेज कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है तो आजकल ऑनलाइन का टाइम है, ऑनलाइन जरूर परचेज करें। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं, और जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं दोस्तों तो उसका रेटिंग ज़रूर चेक करें, जिस पे ज़्यादा रेटिंग है, ज़्यादा स्टार्स होते हैं वहीं से सीड को आप कलेक्ट करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, अगर आप लोगों को ज़रा से भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ।